तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग को कुछ इस टाइप से फ़ोटो को एडिट करना सिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि स्क्रीन पे बहुत ही गजब तरीके से हमने फेस को स्मूथ एंड बहुत ही गजब तरीके से सीवी फ़ोटो एडिटिंग किए हैं, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही गजब तरीके से हमने फ़ोटो को एडिट किया है। तो इसी टाइप से आप लोगों को भी फ़ोटो को एडिट करना है तो सिंपल सा ट्रिक आप लोग को स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। एंड शुरू से लास्ट तक वीडियो को वॉच कर लेते हैं, एंड शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं ना, तो 100% आप लोग भी फोटो एडिटिंग सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर प्लीज़ यार, अगर मेरे चैनल पर नए ना हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड जब भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को फ़ोटो को शेयर करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को आ जाना है, यहाँ पर देखिए स्नैपसीड का ऑप्शन है, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं हम लोग। स्नैपसीड एप्लीकेशन के जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को टूल्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर टून इमेज का ऑप्शन होगा, तो इस टून इमेज पर क्लिक कर देना है। टून इमेज पर क्लिक करते ही तो आप लोग को आ जाना है सेचुरेशन पे, हल्का सा सेचुरेशन देना है, एकदम हल्का सा। एम्बिलेंस को आप लोग को कुछ इतना कर लेना है, एंड यहाँ पर हाईलाइट को आप लोग को हल्का सा प्लस कर देना है, एंड इसके बाद शैडो को आप लोग को हल्का सा प्लस करके एंड यहाँ पर नीचे देखिए जो सही का निशान है एंड इस पर क्लिक करके एंड यहाँ से क्या करेंगे हम लोग फ़ोटो को शेयर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का फोटो जो है कि शेयर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को शेयर करना है जो कि लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग को शेयर करना है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर वहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर ऑल फोटो का एक ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑल फोटो का। यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑल फोटो का एक ऑप्शन होगा, तो इस ऑल फोटो पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ऑल फोटो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को नीचे पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर हम लोग का रहेगा फोटो जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो फोटो पर क्लिक कर देना है जो कि ओरिजिनल फोटो है। ठीक है दोस्तों, जैसे ओरिजिनल फोटो पर क्लिक करते हैं तो इतना सारा टूल्स मिल जाएगा, लेकिन किसी भी टूल्स का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ये मेरा खुद का प्रीसेट है, इसको कैसे क्या करना है आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो कि सबसे कोने में राइट साइड के कोने में एकदम थ्री डॉट का ऑप्शन होगा एक, तो इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड जैसे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को कॉपी सेटिंग का एक ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर सही का निशान होगा एंड इसको सही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाएंगे फिर से आप लोग को थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे एंड यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है ना, तो इस पेस्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वन क्लिक में हम लोग का फोटो जो है कि बन के तैयार हो जाएगा बिना किसी देरी का। ठीक है दोस्तों, वी फोर एंड आफ्टर। इसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग शेयर वाला ऑप्शन, तो इस शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेयर टू पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, शेयर टू पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से हम लोग को फोटो को कहाँ पर शेयर करना है, जो कि यहाँ से हम लोग को शेयर करना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन को, पिक्सार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिए दोस्तों, तो चलते हैं वहाँ पे आप लोग को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे आप लोग को बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं थोड़ा पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, सेंडिंग हो रहा है हम लोग का फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए वहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एफएक्स का इफेक्ट लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ से ध्यान से देख लीजिए जो एफएक्स का लिखा है इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एफएक्स वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आ जाना है आप लोग को जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं जो कि यहाँ पे देख लीजिए ब्लर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ब्लर और ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे दोस्तों एंड ब्लर और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ब्लर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि सेकंड नंबर पर होगा, तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है
एंड जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो दोस्तों तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कि ऊपर एक इरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों इस इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड जैसे ही इस इरेज वाले ऑप्शन पर दिखे क्लिक कर रहे हैं तो सबसे नंबर वन वाले पे क्लिक करना है, ना कि इस पर क्लिक करना है, इस पर नहीं, किसी पे भी नहीं दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिलेक्ट दिखाई दे रहा है तो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे जो कि यहाँ पे देख लीजिए बैकग्राउंड का एक ऑप्शन होगा, तो इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पर देखिए जो कि ब्रश वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इरेज वाला ऑप्शन, तो इस इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड क्या करना हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा डाउन करके यहाँ से हम लोग को जिस पे बैठे हैं मतलब यहाँ पे आगे हम लोग का ब्लर नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग इसको हटा लेते हैं ब्लर को। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को ऊपर देखिए यहाँ पे सही का निशान, इस पर डाउन कर लेंगे हम लोग। तो फिर से इस पर आप लोग को ब्लर वाला ऑप्शन पर सेकेंड नंबर ब्लर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन को आप लोग को क्या करना है, हाई करना है, ठीक है दोस्तों। कुछ इतना हम लोग हाई कर लेते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर सही का निशान जो है इस पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फिर से दोस्तों क्या करना आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को इफेक्ट का ऑप्शन जो है जिस पर आप लोग क्लिक किए थे फिर से उसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, वहाँ पर आप लोग को क्या करना है जो कि मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप लोग को कलर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस कलर वाला ऑप्शन पे आ जाना है। एंड यहाँ से स्क्रॉल करना है दोस्तों, यहाँ से स्क्रॉल करते हैं ना, यहाँ पर देखिए एक ह्यू का ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा ह्यू, ठीक है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन एकदम यहीं पर लिखा है ह्यू, तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को फिर से इरेज वाले ऑप्शन पर आ जाना है। एंड इरेज वाले ऑप्शन पर आने के बाद फिर से आप लोग को बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है। एंड फिर से बैकग्राउंड पे जैसे ही चूज़ करेंगे दोस्तों तो फिर से क्या करना आप लोग को, यहाँ से आप लोग को डाउन कर लेना है। एक बार क्लिक करेंगे फिर से आप लोग को इस पे ह्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड मतलब जिस कलर रखना चाहते हैं उस कलर रख सकते हैं, तो मैं कुछ इस कलर रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग को फिर से क्या करना है, यहाँ से आप लोग को सही का निशान है तो इस सही के निशान वाला पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से डाउन कर लेना है फोटो को, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। देखिए दोस्तों कितना बॉल तरीके से हो चुका है। फिर से हम लोग को यहाँ से स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए एक ऐड फोटो का ऑप्शन होगा जो कि आप देख सकते हैं ऐड फोटो का, तो इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। एंड जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे गैलरी खुल के ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी अभी हम लोग का गैलरी खुल के ओपन होगा, यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, एंड यहाँ पर देखिए हम लोग का दो PNG है, एक ये है एक ये है, ठीक है दोस्तों। इस दोनों PNG को हम लोग को ऐड कर लेना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ऐड करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को इस पर क्लिक करेंगे और इस पर यहाँ पर लाएंगे और यहाँ से डाउन, यहाँ से मतलब बड़ा करके साइज़ को यहाँ पे लगा देंगे। एंड यहाँ से देखिए नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो एक यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा देगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए ब्लेंड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो इसी ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल पे होगा, यहाँ पे नॉर्मल पे होगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन पे कर देना है, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को इस वाले मतलब PNG पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करके। एंड इसके बाद दोस्तों फिर से हम लोग को ब्लेंड पे क्लिक करके स्क्रीन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग को कुछ इतना बड़ा कर लेंगे। एंड इसको बड़ा करेंगे दोस्तों, इसको इरेज पे आ करके हल्का सा इस पर मार देंगे और यहाँ पर इस पर भी मार देंगे और इसके बाद यहाँ से डाउन कर लेंगे दोस्तों। तो फिर से दोस्तों यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होगा जो कि यहाँ इस वाले ऑप्शन पे, फिर दोस्तों यहाँ पे आप लोग को डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड डुप्लीकेट हो जाएगा तो फिर से दोस्तों हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग का जहाँ जहाँ पर मन करेगा वहाँ वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग माइनस कर लेंगे जो कि कुछ इतना माइनस, फिर दोस्तों इसको भी हम लोग कुछ यहाँ पर आ करके यहाँ पे ऑपरेटिव को माइनस कर लेंगे। एंड इसको फिर से डुप्लीकेट करके यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना करने बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग को डाउन कर लेना है फोटो को। एंड फोटो को डाउन करने बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और फेस स्मूथ जो है बाकी रह चुका है, तो फेस स्मूथ आप लोग जाके मेरे चैनल पे और वीडियो बहुत डाला हूँ फेस स्मूथ का, उस वीडियो को देख के आप लोग फेस स्मूथ कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है ना, तो आप लोग देखेंगे नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।